कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। गोलाड़ो से जा रहे थे हम लोग, बोरिंग को रोड गए, तब तक बोल रहा था कि मेरा नाम तनु यादव है, उसने गाड़ी पर हमला कर दिया और छीन छन किया और मार दिया, उसके बाद मार के सब आँख को फोड़ दिया। क्यों मारा? स्पाइकर था वो, तो पी लिया था और गाड़ी रोक लिया और चाबी मांग रहा था गाड़ी का। मेरा नाम तनुज यादव है और मेरे दादा का नाम लालू प्रसाद यादव है। कमिश्नर साहब आप जानते ही होंगे, और इतना कहते हुए डिप्टी कमिश्नर की पिटाई कर दी जाती है और धौंस ये दिखाया जाता है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का मैं रिश्तेदार हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये हंगामा शुरू हुआ उस वक्त जब डिप्टी कमिश्नर पर जानलेवा हमला हुआ और हमलावरों ने अपनी पहचान बताई कि मैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पोता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई और कहा कि जंगल राज थ्री की वापसी हो गई है, सरेरा किसी बड़े अधिकारी को पीट दिया जाता है और कहा जाता है कि मेरा रिश्ता लालू परिवार से है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा और जब ये सारी चीजें आई, चश्मदीद गवाहों ने कहा कि किस तरह से तनुज यादव और नयन यादव ने ये कहते हुए डिप्टी कमिश्नर पर हमला किया कि मेरा रिश्ता राजद सुप्रीमो से है और मेरा रसूख इस बात से आप लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में सरकार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की चल रही है, महागठबंधन की चल रही है, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हुए ये सारी चीजें आ गई और उस पर जब जानलेवा हमला हुआ डिप्टी कमिश्नर पर, उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर हो गई। दरअसल राजधानी में यह पूरा मामला रूनुमा हुआ कि जब तनुज और नयन ने अपना धौंस दिखाते हुए ये कहा कि सियासत में मेरे दादा का कितना रसूख है, ये बात आप जानते होंगे, और उसके बाद रॉड से हमला किया गया डिप्टी कमिश्नर पर, जो चश्मदीद थे वहां पर उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। और जब सरकार घिरने लगी तो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, मेरे घर का कोई फर्द हो या कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, अगर कोई इस वाकये में दोषी होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे ही तेजस्वी यादव को यह खबर मिली, उन्होंने उस कमिश्नर से भी बात की, अधिकारियों से भी बात की और इस पूरे मामले पर पटना पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यानी तनुज को और नयन की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से जो विपक्ष के नेता है, उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अरविंद कुमार, जो डिप्टी कमिश्नर है, उनकी पहले गाड़ी रोकी और फिर कार से उतरने को कहा, कार से उतरते ही उन लोगों ने अरविंद कुमार पर हमला करना शुरू कर दिया और पीटने वालों ने अपना नाम तनुज यादव बताया और कहा कि वो लालू प्रसाद यादव के पोता है, साथ ही धमकी भी दी कि जो करना है कर लेना। इस पूरे मामले पर जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल रात मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था, मैंने तुरंत एसएसपी को फोन किया, घटना की पूरी जानकारी ली और उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए, कि चाहे मेरी परिवार का कोई हो, रिश्तेदार हो या कोई और हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले के बाद सरकार को घेरा है और सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में देखिए किस तरह से जंगल राज की वापसी हो गई है और ये जंगल राज पार्ट थ्री आ गया है कि सरेरा राजधानी में किसी बड़े अधिकारी को कोई व्यक्ति पीटता है, उस पर जानलेवा हमला करता है और ये कहता है कि मैं लालू यादव का पोता हूं, एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेते हुए वो शख्स धौंस दिखाता है और इस तरह से जानलेवा हमला किया जा रहा है, तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सारा हमला किया और इस हमले के बाद जब सरकार गिरती नजर आई तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि खाए वो मेरे घर का हो, मेरे परिवार का हो, मेरा रिश्तेदार हो, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीजें जो आ रही है, आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बख्शा नहीं चाहेगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो, जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है,
हम खुद ही फोन करके बोले हैं कि भाई इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी होगा जांच होगा, अगर कोई गलती जिसका होगा वो सजा पाएगी। अरे इसे क्या करोगे?